बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान आजकल अपनी अपकमिंग फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार के प्रमोशन में जुटे हुए हैं। हाल ही में दिल्ली पहुंचे आमिर ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण अडवाणी और उनकी फैमिली के लिए फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी। यूं तो हर कोई आमिर की फिल्मों का फैन है, इस लिस्ट पर राजनीति के दिग्गज लाल कृष्ण अडवाणी भी शामिल है। आमतौर पर वो फिल्में नहीं देखते हैं, लेकिन उन्होंने आमिर की पिछली दो फिल्में दंगल और पीके देखी। वहीं इस बार लाल कृष्ण अडवाणी ने सीक्रेट सुपरस्टार देखी और उन्हें ये फिल्म बेहद पसंद आई। जारा वसीम की एक्टिंग ने उनका दिल जीत लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया। वैसे आपको बता दें, इस फिल्म को डायरेक्ट अद्वन चंदन ने किया है और प्रोड्यूस आमिर खान ने। ये फिल्म एक बच्ची की कहानी है जिसका किरदार जायरा वसीम निभाएंगी। इस फिल्म में जायरा एक सिंगर बनना चाहती है और अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए यूट्यूब पर गाने अपलोड करती है, लेकिन बुरखे में, ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए। वहीं आमिर जो एक म्यूजिशियन है, उनकी नजर पड़ती है जायरा पर और वो उन्हें गाइड करना चाहते हैं। वेल, ये फिल्म क्या धमाल मचाती है ये तो 19 अक्टूबर को पता चल ही जाएगा, जब ये फिल्म थिएटर्स पर दस्तक देगी। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए NMF News।